मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो अपनी प्राकृतिक, आधुनिक एवं ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। समय के साथ विकास ने भी अपनी गति पकड़ते हुए शहर की काया पलट दी है। बड़े बड़े मॉल, चमकती हुई सड़कें, चकाचौंध से भरपूर बाजार, सब कुछ होते हुए भी आज के समाज को क्या होता जा रहा है? कहीं भागती हुई इस दुनिया में कुछ पीछे तो नहीं छूट गया? सब कुछ होते भी आज वो खुशी, संतुष्टता दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहीं भौतिक विकास की अंधाधुंध दौड़ हमें अपने आप से दूर तो नहीं कर चुकी है? ऐसे समय में जरूरत है खुद को खुद की पहचान कराने की। थोड़ा रुक कर, पीछे मुड़कर देखने की। खुद को उस खुदा ईश्वर से जोड़कर भरपूर करने की। इस पुनीत कार्य को साकार कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, जहां से मानव मात्र के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अनुपम प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भोपाल शहर के लिए आशा की किरण बनकर उभर रहा है सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर। इस भवन की विशेषता यह रही कि इसके भूमि पूजन के साथ ही मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेकानेक संगोष्ठियां व कार्यक्रम यहां संपन्न होते रहे। जिस तरह किसी भी मकान की आधारशिला का मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह सुख शांति भवन की आधारशिला है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीता दीदी जी, जिनके 40 वर्षों की त्याग तपस्या का ही परिणाम है यह विशाल भवन। आपकी दृष्टि व पालना से अनेक आत्माओं ने अपने जीवन को अनेकों बुराइयों से मुक्त कर श्रेष्ठ बनाया एवं अनेक बना रहे हैं। योग की शक्ति से हमारी कमजोरियों को समाप्त करना, जो परमात्मा शिव के द्वारा हमें नया ज्ञान मिल रहा है, वो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उस ज्ञान में शक्ति भी है। उस ज्ञान में प्रभु का प्यार भी है। उस ज्ञान के अंदर उनकी मधुर शिक्षाएं भी हैं। Thank you.
इस सुख शांति भवन की शुरुआत कैसे हुई मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी समय पहले हमने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम डायबिटिक कैंप किया, जिसमें 500 से भी अधिक डायबिटिक पेशेंट्स आए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, और लाल घाटी एरिया में हमने सुंदरवन नर्सरी में बहुत सुंदर कार्यक्रम वहाँ 2 दिन का रखा। काफ़ी डॉक्टर्स का सहयोग रहा, और उस कार्यक्रम में उस समय जो कलेक्टर थे भोपाल के, उनका भी आना हुआ। इतना सुंदर कार्यक्रम देखा, और जो पूर्णतः निःशुल्क था, वो बहुत अभिभूत हुए, और उन्होंने हमारी जो बड़ी दीदी हैं, नीता दीदी हैं, उनको संकल्प दिया कि बहन जी आप क्यों नहीं गवर्नमेंट से कुछ लैंड लीज पर ले लें, और इतने अच्छे कार्यक्रम आप हमेशा ही करते रहें, क्योंकि आप तो पूरी तरह ही समाज की सेवाओं में लगे हुए हैं। उनसे प्रेरित होकर हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि हमको कुछ ज़मीन लीज पर मिल जाए, और हम कुछ ऐसा बड़ा स्थान बना पाएँ जहाँ भोपाल वासियों के लिए इस तरह के निःशुल्क प्रोग्राम कर सकें। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी किन्हीं कारणों बस वो ज़मीन लीज पर नहीं मिल पाई, और अंततः हमने ईश्वर पर ही छोड़ दिया कि ईश्वर को जब दिलाना होगा तब वो दिलाएगा। हम अपना पूरा ध्यान और जो सामाजिक सेवाएं थी, ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार और प्रसार पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहे, और अंततः इस भूमि की मिलने की शुरुआत हुई। हमसे एक भाई जुड़े जिनको संकल्प आया कि कुछ उनकी लैंड यहाँ पर है, और इस शुभ कार्य के लिए उन्होंने स्वेच्छा से एक 4,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा दिया कि ये ईश्वरीय कार्य यहाँ आरम्भ हो। हम बहुत खुश हुए, क्योंकि जब निःशुल्क कहीं से हमें लैंड मिल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हम लीज पर लेना चाह रहे थे, और यहाँ स्वेच्छा से वो भाई दान के रूप में इस ईश्वरीय कार्य के लिए अपना ज़मीन दे रहे थे, तो बहुत खुशी हुई, और हमने उसका एक नक्शा एक प्लान तैयार करवाया। लेकिन कहते हैं हमारी सोच छोटी होती है और ईश्वर की बड़ी। जैसे ही वो लैंड मिली, उसके साथ ही फिर दूसरे लोग भी उस ज़मीन से जिनके जुड़े हुए टुकड़े थे वो जुड़ते गए, और वो 4,000 स्क्वायर फीट का जो टुकड़ा था वो बढ़ के 16,000 स्क्वायर फीट हो गया, और इस प्रकार एक बहुत अच्छा भूभाग हमें प्राप्त था जहाँ पर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन हम कर सकते थे। और इस प्रकार फिर जब हमने माउंट आबू से इसकी प्रॉपर स्वीकृति ली, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर नक्शा बना के तैयार हमको दिया, और जिसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें सारी सुविधाएं समाई हुई हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर कॉरपोरेट के या फिर एजुकेशनिस्ट या बैंक्स जहाँ से भी हैं, कम से कम 80-90 लोगों का ग्रुप आ सकता है। इतना अच्छा सेमिनार हॉल है, एक ट्रेनिंग रूम है जहाँ उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है। इतने ही लोगों का एक साथ बैठ के भोजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक ऑडिटोरियम भी है जहाँ 700 लोगों की बैठने की सुविधा है, और इसके साथ साथ लगभग 70 से 80 लोगों का रेजिडेंशियल भी पोर्शन है इस बिल्डिंग में। ये भोपाल से थोड़ा सा लगभग 5 किलोमीटर दूर है, हालांकि म्यूनिसिपल एरिया में ही है, लेकिन बहुत ही शांत स्थान है। यहाँ जो भी लोग आते हैं इस वातावरण में थोड़ा शहर के चकाचौंध से दूर होकर सुकून का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार ये भवन का निर्माण हुआ। हालांकि शुरुआत में इतना बड़ा भवन बनाने का विचार नहीं था, लेकिन हमारे भोपाल जोन के
जो डायरेक्टर रहे आदरणीय भ्राता महेंद्र भाई साहब, उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो अक्सर कहा करते थे कि बाबा साकार बाबा जो इस संस्था के साकार संस्थापक रहे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो आदरणीय महेंद्र भाई साहब कहा करते थे कि साकार बाबा कहा करते थे कि बड़ा सोचो, बड़ा स्थान बनाओ, भगवान बड़ा है, वो सबका है, तो इतना बड़ा स्थान हो जो सबके लिए हो। तो शायद इसीलिए स्थान बनते बनते इतना बड़ा विशाल बन गया है, जहाँ भोपाल के सभी भाई बहन आकर एक साथ कलेक्टिवली रिट्रीट कर सकते हैं, प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और कहते हैं कराने वाला तो वो परमात्मा पिता स्वयं है, हमारी सोच तो संकुचित है। तो वही सपना यहाँ साकार हुआ कि हम छोटा चाह रहे थे, लेकिन आज इतना बड़ा भवन यहाँ सुख शांति भवन के रूप में बनकर तैयार है। और आप सभी का इस भवन में हार्दिक स्वागत है। आए, ईश्वर का घर आपका अपना घर है। कोई भी कार्य बिना सर्व के सहयोग संभव नहीं। इस ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं की त्याग, तपस्या एवं मेहनत समाई हुई है। ये भाई बहने दिन रात अथक ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। Thank you.
आनंद आएगी। स्वप्न गांधी जी का साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। युग से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत। एक सुंदर, स्वस्थ व खुशहाल समाज बनाने के लिए मनुष्य जीवन में मानव मूल्यों का होना बहुत जरूरी होता है। सर्व के सहयोग से ही स्वर्ग की कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई सदैव कार्यरत हैं। इनका संकल्प है भारत को स्वर्ग बनाना, जो इनके प्रयासों में स्पष्ट नजर आता है। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। श्वेत वस्त्र धारणीय ब्रह्मा कुमारियाँ, ये हैं शिव की शक्तियाँ साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारणीय ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति।